अंकुर राज। अंकुर किस स्कूल में पढ़ते हो? दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS। DPS में पढ़ते हो, तो कौन कौन से इवेंट में भाग लिया तुमने? अभी तो लिया 200 ब्रेस्ट, 50 ब्रेस्ट और अभी 50 बैक बाकी है। अच्छा, तो क्या रिजल्ट क्या है? दोनों में फर्स्ट है अभी तक तो, और एक 50 बैक बाकी है। कितने सालों से कर रहे हो स्विमिंग? 7 साल, 2012 से कर रहे हो। कैसा लगता है, स्विमिंग के अलावा भी किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हो कि सिर्फ स्विमिंग ही? मैंने एक स्क्वॉश में इंटरेस्ट है, नेशनल जा चुके हैं, और एक क्रिकेट में जाते हैं, मैं जोनल क्रिकेट अकेडमी। अच्छा, तो एज अ स्विमिंग तुमको लगता है कि तुम इसको कैरियर बना सकते हो? नहीं, हम पढ़ाई में कैरियर बनाना चाहते हैं, स्विमिंग बहुत टफ है। स्विमिंग बहुत टफ है? हाँ। अच्छा, तो पढ़ाई में क्या बनना चाहते हैं? अभी डिसाइड तो नहीं किया हम पढ़ाई में क्या बनना। अच्छा, तो जो स्विमिंग है तुम पिछले 6 सालों से कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम भी है पढ़ाई और स्विमिंग को कैसे एक दूसरे से जोड़ पाते हो? हम कर तो लेते हैं पढ़ाई, स्विमिंग मत स्विमिंग हम करीब 2 घंटा करते हैं एक दिन में, 7 दिन, और थर्सडे को तो पूल बंद रहता है, और पढ़ाई में तो मेरा रैंक होगा क्लास में 2nd या 3rd। अच्छा, पढ़ाई तो मेरा अच्छा है, मतलब पढ़ाई मेरा हो जाता है स्विमिंग के साथ साथ। जो और लोग तुम्हारे साथ स्विमिंग करने आते हैं, तो तुमको लगता है कुछ स्विमिंग पूल्स की कमी है, 50 मीटर्स पूल होता तो ज़्यादा अच्छा होता, कुछ इस टाइप का कुछ आता है क्या मन में? तो कोच तो है, मनीष सर है, बहुत अच्छे कोच, और 50 मीटर का पूल होना चाहिए था बिहार में, क्योंकि नेशनल्स वहीं पे होता है, तो वहाँ पे हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। अगर यहाँ पे 50 मीटर का पूल होता तो मतलब टाइमिंग वाइमिंग अच्छे से आता हम लोग को, और एक्सपीरियंस हो जाता कि कैसा करना है वहाँ पे, नेशनल्स में कैसा परफॉर्मेंस देना है। एक बार अपना नाम बता दो, क्लास बता दो, स्कूल बता दो। अंकुर राज, 7G, दिल्ली पब्लिक स्कूल, पटना। कौन कौन सा इवेंट में भाग लिया आप लोगों ने और क्या परिणाम आया? हम 50 ब्रेस्ट स्ट्रोक, 50 फ्री स्टाइल और 100 ब्रेस्ट स्ट्रोक में लिए। क्या परिणाम क्या आया? अभी तक तो हुआ 50 ब्रेस्ट और 100 ब्रेस्ट, उन दोनों में हम फर्स्ट हैं। कैसा था कंपटीशन? कंपटीशन तो हार्ड था, क्योंकि इनका मेन स्ट्रोक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक और यही साथ में थी। अच्छा, यू पीपल आर द कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर? यस। सो हाउ वाज द कॉम्पिटिशन बेसिकली? इट वाज लाइक वेरी गुड, वी ऑल वांटेड टू कम्पीट विद ईच अदर, सो वी गॉट द चांस टू डू द हीट टुगेदर, सो we were satisfied because when we see each other that she's going faster, then we try to give our whatever energy we have, we give it. What was the output of that? You got what medal you got in which? I got the first position. In which category? I am in under 17 and in 1500 breaststroke and in 200 free. And what about you? What you are telling? How was your competition? It was nice. I got a first position in 50 meter butterfly. This is basically a Patna team. So if the Patna team fight with the other capital like Delhi, Lucknow, Chennai, Guwahati, how you rank your Patna? Very tough competition. Yeah, very. It's very tough competition. We try to give our best. We give our best, but they are much and far, far better than us. They practice 4 times more than us. Absolutely. So why you people are talking like this? That they are best. Some people go. We don't have facilities. Huh? We don't have facilities like them. And they practice in the 50 meter pool. And many people. We have got only 25 meter. It makes a difference. Not that much, but it does make a difference. You know, this time the people, especially the girls who got a gold medal in Asia,
They are from very small city, from very small family. How they manage, and you are telling that you will be not in a competition and this Guwahati and Delhi and... We can, but we don't practice that much and we don't focus on swimming that much. That's why we don't get a medal. Only on swimming. They want to make their career in swimming. They have that India kind of can, work. But Bihar cannot in this situation and this practice. So yeah, now we have got a 50 meter pool going to be opened next year maybe, because now the swimming season is going to end. So when we'll start, maybe when we'll start practicing in that, so we would compete with them. They got many facilities whole 12 months they practice, and they some of them don't go to school and they get 50 meter pool. We don't have that all. Anyway, all the best, and I think this this type of attitude you people should come, that you should be the best team of India. How it will come? We'll focus on our swimming very nicely. Only swimming. Our focus should be only swimming. Not only, and practicing. Not only practicing, we need some facilities to achieve all this. I will say okay. Thank you very much and all the best. We'll meet in the next season. Yes. Okay. Thank you. Thank you.